गुड मॉर्निंग बच्चों। लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग विषय इतिहास अध्याय 8 सम्राट अशोक एक महान शासक के विषय में पढ़ेंगे। तो इसकी शुरुआत हम एक छोटी सी कहानी से करते हैं। सलाफा नाम की एक बच्ची थी, वो 2000 रुपये की नोट पर अशोक स्तंभ का चित्र देखती है और अपने पिताजी से पूछती है कि ये क्या चीज है और कहाँ से आया है, इसको किसने बनवाया है। तब उसके पिताजी बताना शुरू करते हैं। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक था और ये अशोक एक महान शासक बना। ये कैसे महान शासक बना? ये मौर्य वंश का एक महान शासक बना, बहुत बड़ा राज्य में शासन करता था। इनका विस्तार, राज्य का विस्तार पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण बहुत लंबा चौड़ा था। 16 जनपदों में इनका शासन था। इनके प्रमुख नगर हैं तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र। तक्षशिला इनके प्रमुख नगर में से एक है और उज्जैन दूसरा और तीसरा पाटलिपुत्र। तो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र में जो साहित्यिक स्रोत है, इसमें अशोक के साम्राज्य विस्तार एवं शासन प्रबंध का उल्लेख मिलता है और दूसरा मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई इंडिका पुस्तक में भी मिलती है। कौटिल्य जो मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था और वह एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, उसी में सभी चीज का उल्लेख मिला है। और दूसरा जो मेगस्थनीज है वो यूनानी राजा सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में उनका दरबार में आया था। तो उन्होंने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा, साहित्यिक स्रोत लिखा, जिसमें अशोक के साम्राज्य विस्तार का उल्लेख मिलता है। शिलालेखों और अभिलेखों के द्वारा सम्राट अशोक अपना संदेश को जनता तक पहुंचाते थे। अलग अलग तरह के शिलालेख, अभिलेख के द्वारा अलग अलग तरह के संदेश को जनता तक पहुंचाया करते थे और वह अपने प्रांत में व्यापारी, शिल्पकार आदि लोग को भी रखे थे और उनका देखभाल करने के लिए मंत्री या पदाधिकारी का भी नियुक्ति किए थे और एक जगह से दूसरे जगह राज्य व्यवस्था किस प्रकार चल रहा है उसको देखने के लिए गुप्तचर का भी नियुक्त किया था, जो एक जगह से दूसरे जगह जा करके शासन व्यवस्था को देखते थे। तो इस प्रकार सम्राट अशोक का राज्य बहुत बड़ा था। कलिंग जो अभी उड़ीसा है वहां तक उनका राज्य विस्तार था और उत्तर की तरफ
उत्तर की तरफ तक्षशिला, जो ये तक्षशिला जो अभी पाकिस्तान में है, और यहाँ कौटिल्य का अर्थशास्त्र में मिलता है कि कंबल का व्यापार तक्षशिला से होता था और इसीलिए वो तक्षशिला नगर बहुत प्रसिद्ध था, जिससे पश्चिमी देश एवं एशिया की तरफ व्यापार करने के लिए भेजा जाता था। और उज्जैन, उज्जैन में कीमती पत्थरों एवं सोना का व्यापार भी किया जाता था, उसका उल्लेख मिलता है। और ये जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र के आसपास सम्राट अशोक खुद अपना देखरेख में राज्य को चलाते थे, अपने नियंत्रण में रखा हुआ था। तो इस प्रकार उनका शासन व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरह से चलता था। उनका शासन व्यवस्था में कर भी वसूला जाता था, किसानों से कर वसूला जाता था और उसको राज्य का खजाना में रखा जाता था। और इसी के दौरान वो 8 साल शासन किए, फिर 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध, नंद वंश के पतन के बाद कलिंग स्वतंत्र हो गया था। अशोक इसे अपने राज्य में मिलाना चाहता था, क्योंकि समुद्री व्यापार एवं दक्षिण के प्रांतों से संपर्क के लिए विजय जरूरी था। शासन के 9वें वर्ष में युद्ध में इतना भारी नुकसान हुआ, इतना उपद्रव हुआ और खून खराबा हुआ कि वहां 1 लाख लोग मारे गए और 1,50,000 लोग बंदी बनाकर निर्वासित किया गया। उनके जो सगे संबंधी थे वो भी मर्माहित हो गए, दुख से तड़प तड़प कर वो लोग भी मरने के कगार में आ गए। इतना नुकसान और खून खराबा को देखकर सम्राट अशोक का हृदय पिघल गया और वो बौद्ध धर्म को अपना लिए, हिंसा करना को बंद कर दिए और उसी समय से प्रतिज्ञा करके अपना मन में प्रण ले लिया कि आज से मैं युद्ध नहीं करूंगा और किसी के ऊपर पाप भी नहीं करूंगा।